हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बेडशीट वगैरह रात को चेंज कर दूंगी, पर रात को बेड पे इतना बिखेरा था और सारे तो एक दो जो भी मेरे कपड़ों के सेक्शंस थे वो मैंने समेटे अच्छे से और साफ़ वगैरह भी किया। थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी तो बेडशीट वगैरह आज सुबह ही चेंज की है जैसे ही टाइम मिला, और थोड़ा बहुत रूम रीअरेंज किया है, यहाँ से सारा हटा दिया टेबल वगैरह, और थोड़े बहुत क्लीनिंग भी करी है। आई होप अब मेरा रूम थोड़ा सा मैस कम लग रहा होगा, और आज से थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान दिया जाएगा क्योंकि मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया है। मेरी डबल चिन आपको दिख रही होगी और मैं मोटी भी लग रही हूँ आजकल ब्लॉग्स में, पर ये मैं वेट हमको थोड़े दिनों के लिए क्या मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए तो आज से थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस खाना खाएंगे और थोड़ा बहुत हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा। सुबह सुबह आज उठने का पूरा प्रयास था पर वो प्रयास पूरी तरीके से हो ही नहीं पाया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और आज लिटरली ठंड बहुत ही ज़्यादा है। आज अभी कुछ 16 डिग्री कुछ है, पर ठंड हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, इतनी ठंड लग रही है। और सुबह सुबह तो 9 डिग्री था और हाथ वगैरह काफ़ी फ्रीज हो गए थे, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। अभी तो मैं रेडी वगैरह हुई नहीं हूँ, थोड़ा बहुत खाने की तैयारी कर देती हूँ और फिर रेडी हो जाऊँगी। खाने में आज बन रहा है हरी सब्जी, ये वालोरे की सब्जी आज बनाएंगे हांडी में, क्योंकि धीरे धीरे पकती है इसलिए। और ये कल सुबह की मक्की की रोटी के अंदर बनाने वाले हैं। सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर देती हूँ, थोड़ा बहुत आधा अधूरा काम कर देती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा बाद में ये काम नहीं लगे। तो एक तरफ सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी, दाल की तैयारी कर दूँगी, आटा बांध दूँगी, चावल रख दूँगी। मिट्टू राजा क्या कर रहे हो, खाने खा लिया? खाना बन गया है, सिर्फ अब रोटी बनानी बाकी है। तो अब इतना तो काम कर लिया, अब जाती हूँ नहाने के लिए, फिर हो जाऊँगी रेडी, फिर बनाऊँगी रोटियाँ। इसमें बन गई है दाल, इसमें चावल और ये सब्जी बालोरे की। हाँ, एक काम और याद आ गया है, सलाद कट करके जाती हूँ साथ में, नहीं खाने के टाइम फटाफट में बैठ जाएंगे और सलाद फिर रह जाएगा। मैं हो चुकी हूँ रेडी, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। ठीक है, चलो अब सीधा खाना खाते समय ही मिलेंगे। खाना अभी खाने के लिए बैठ गए, बस चिकू का अभी वेट हो रहा है। चिकू पापा खाना खा के चले गए, अब चिकू आएंगे तो साथ में बैठ के खाना खा लेंगे, फिर जाएंगे दुकान पर। खाना हो गया है, अब चलते हैं शॉप पर, और अभी चिकू भी आ जाएंगे लेने के लिए। ओ बाप रे, क्या हुआ है बाहर, खड़े कहाँ रहने मिले, फ़ोन आ गया, पकड़ो। सोचा था 5 मिनट रुक जाएँ, धूप सेक लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि टाइम तो मिलता ही नहीं है धूप सेके उतना तो। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है, अपन निश्चिंत होकर धूप सेक सकते हैं क्योंकि अपन ने सनस्क्रीन लगा रखी है, इसलिए SPF 45 मिशेल वाली। तुमने कौन सी लगाई है? ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की SPF 35 60 SPF 60 फॉर ऑयली स्किन। अब चलते हैं, कस्टमर आने वाले, अब सलोन पे चलते हैं। यहाँ पर खड़े रह के बहुत मज़ा आ रहा है, पर आँखें भी खुल नहीं रही है, क्या मस्त गरम गरम लग रहा है। 5 मिनट और रुक जाते पर कस्टमर आने वाले, इसलिए मैं चलाऊँ आज, तुम बैठो पीछे प्लीज यार, ठंड में कहीं गिर गए हाथ पे। अरे यार, आपका ऐसा सोचना क्यों है मुझे लेकर, आजा ना पैर में मालिश कर दो। अभी आ गए शॉप पर, ज्योति खाना खाने गई है। शॉप पर आ गई थी और आके आपने देखा ही होगा, एक अभी हेयरकट डन किया है और अभी ये जो भी बाल हैं वो हम वैक्यूम से क्लीन करने वाले हैं, तो ये हमारा वैक्यूम आ गया। अभी एक दो और हेयर कट्स हैं वो फाइनल किए, और आज का दिन तो आज एक और ब्रांड की मीटिंग थी, सो ब्रांड से कुछ नया और शॉप पर आने वाला है तो वो उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे।
और आज गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है, पर वाह काम हो रहा है साथ ही साथ। अभी वहाँ वैक्यूम से काम करने का इतना यानी मज़ा आ रहा है, ज्योति को भी बहुत मज़ा आ रहा है, यानी फटाफट क्लीन हो जाता है, एक कहीं पर भी कुछ गंदगी रहती नहीं है, बाल तो रहते ही नहीं, इसलिए अच्छा है ना। और अभी घर पे आज टॉवल्स वगैरह ले जाने वॉश करने के लिए, ज्योति सारे टॉवल्स एक साथ कर देना। एक साथ ही कर दी, थैली नहीं है। थैली यानी नहीं, थैली कहाँ, एक भी नहीं। आज तो ये सब काम हो रहा है और भी काम करने हैं। कल तो मैंने पूरा मेरा कमरा जमाया वापस। अभी जाती हूँ आगे वाली शॉप पर, देखती हूँ क्या क्या काम है और कुछ अच्छा नया होगा तो उसके बारे में आपको बताएंगे। बड़े दिनों से आज कल घर पे ले जाने के लिए टॉवेल ले जाऊँ सोच रही हूँ और ले ही नहीं जा पा रही थी, आज ले जाऊँगी इस कट्टे में डाल के। ये टॉवल सारे वेट हैं और वॉश भी करने हैं, सो इसीलिए अभी तो चलो। मैंने जो टॉवल मेरे को यहाँ देख रहे थे वो तो मैंने ले लिए हैं, अब थोड़ी देर में घर पे जाने की तैयारी करूँगी, तब साथ में लेकर आने आपके साथ में रहते सब ले जाना है, पीछे कूलर पड़ा हुआ वो भी ले जाना है, पर याद ही नहीं आता है, और मैंने तो क्या गाड़ी आए तो याद आए, इसीलिए। और ये सीट कैसे साफ़ करनी है, अगर ब्रश व्रश हो तो मैं देखती हूँ, ये जो वाइट वाइट हल्का हल्का दिख रहा है ना वो क्लीन करना है इस सीट से, तो अगर कुछ पीछे साफ़ सफाई का मिलता है तो ला के साफ़ करती हूँ, क्योंकि मिट्टी मिट्टी बहुत जम गई है ना उसके अंदर, इसलिए बहुत गंदा लगता है। फिर अभी इसके अंदर सर्फ और पानी कर दिया है, अब देखती हूँ अगर इससे साफ़ हो गया ठीक है, फिर नहीं तो ब्रश का ही यूज़ करूँगी। और ये भी तैयार कर दिया, पोछा भी क्लीन कर दिया, पोछा बहुत ज़्यादा गंदा था, मास्क कैसे नीचे करूँ। अब आ जाती है सीट की तैयारी, सफाई की, जो भी बहुत गंदी हो गई है, सर्फ से तो धो दिया, अब एक बार वापस पोछा और ये सब चेंज करके लाती हूँ। चेंज तो क्या, पोछा धो के वापस ले जा रही हूँ, एक बार साफ पोछा और घुमा देते हैं ताकि इसके अंदर मिट्टी अगर थोड़ी बहुत भी चिपकी हुई हो तो निकल जाए। टेस्टिंग करने के लिए आगे भी लेके चले गए, टेस्टिंग करने के लिए तुम आगे ठेट लेके आ गए, अरे साफ किया है, नहीं होगा अभी पता चल जाएगा, पर वापस होगा 100%। ये आ गया, मैंने कल सुबह में किया था, ये देख, मैं क्या बोला किससे होगा, वही ब्रश चाहिएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, देख ले अभी पूरा खुल लेगा ये। तो मेहनत हो गई बेकार, क्योंकि वो वापस वैसा का वैसा ही खुल रहा है, कपड़े धोने वाला ब्रश चाहिएगा इसके अंदर। अरे यार थोड़ा भी नहीं हुआ साफ, इतना रगड़ा तो भी मैंने, ऑयल लगा दे, सबसे बढ़िया, टेंशन ही खत्म, ऑयल लगा दूंगी अंदर, हां ऑयल लगा दे, लगा दूंगी अंदर, फंसेगा ही नहीं कुछ नहीं। ये एक पार्सल, ये अभी अमन भाई को देना है ना, तो बस अब चलते हैं घर पे। अरे मेरा पर्स वो पीछे ही है, हाँ चाहिए था, ले लो ना ये, हाँ अभी ये परचेज करेंगे, डिफेंडर आफ्टर शेव स्मूथनिंग जेल, सूथिंग जेल। अभी मैंने मेरे लिए डिफेंडर ये वाला परचेज करा है, क्योंकि मेरे पास पहले इसका ये बॉम्बे शेविंग का डिफेंडर था जो कि वुमन्स रेजर है ये, और ये इससे भी पहले एक और डिफेंडर आता है सेंसिटिव स्किन के लिए ही है वो स्पेशली, वो प्री शेव है, ये आफ्टर शेव है और ये शेव के लिए है। तो वो जो प्री शेव है वो मेरे घर पे पड़ा हुआ है, मैं आपको बताऊंगी, अभी तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया इसलिए मैं बता नहीं पा रही हूँ, पर मैंने परचेज किया था, मैंने कहा यार थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए कि ये किस काम के लिए है, क्यों है, तो प्री शेव घर जाके बताऊँगी। ये है रेजर और ये है आफ्टर शेव, ये सूथिंग, हाँ ये सूथिंग जेल है ताकि इससे हमारे जो स्किन है वो ड्राई नहीं रहे। अब मैंने इसकी अभी अनबॉक्सिंग कर दी है, अब इसको कम्प्लीटली खोलते हैं। ओ गजब का है ये तो, अच्छा है, ये मॉइस्चराइज़र है आफ्टर शेव के साथ, इससे ताकि हमको ना किसी को कुछ इन्फेक्शन लगे और ना ही किसी भी तरह की ड्राइनेस रहे, तो इसके लिए ये बेस्ट है। हाँ और ये मेनली एंटीसेप्टिक है, सेप्टिक का कोई ख़तरा नहीं रहेगा इससे, अच्छा है, मस्त है, मैं तो यूज़ करता हूँ फिटकने, अच्छा तुम्हें बस है, मस्त है, क्या इचिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, डेली शेव करो तो, टच करके देखो मस्त है, और बिल्कुल भी यानी ग्रीसी ग्रीसी भी नहीं है, एकदम बाद में लेके तो नॉन स्टिकी हो जाएगी स्किन,
और डीप नरिशर है, एकदम डीपली नरिश करता है स्किन को। ओके अब चलते हैं घर पर, अपना तो ले लिया अपन ने, ये नहीं रख दिया। घर पर आ गई हूँ और सीधा हाथ धो के अभी घुस गए हैं किचन में, फटाफट से काट लेते हैं सब्जी और फिर बना देते हैं खाना। तो सब्जी बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी मटर की। खाना बन गया है पर दो प्लेटें हाथ में थी तो कैमरा नहीं पकड़ सकती थी, इसलिए सिर्फ कैमरा बाद में लेने के लिए किचन में गई थी। पत्ता गोभी मटर की सब्जी और रोटी। बैटरी हो गई है लो, तो बैटरी चेंज कर देती हूँ नहीं तो आप देख नहीं पाओगे ये वाली वीडियो। डेजर्ट में ले रही हूँ मैं मावा चिक्की, जो कि चिक्कू लाए थे, बहुत टेस्टी है। जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक खा लेते हैं। और यहाँ तक देखने के बाद व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।